हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जॉब अपडेट्स जोन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत बड़ी जॉब वैकेंसी की अपडेट जो कि आया है IRCTC की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें आपका रिक्रूटमेंट होगा। तो चलिए देखते हैं अपने डिटेल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, यहाँ पर डेट देख सकते हो, ये जो आया है 13 जुलाई को आया है और यहाँ पर जो पोस्ट रहेगा आपका अप्रेंटिस पोस्ट रहेगा और आपका जो ट्रेनिंग रहेगा वो 1 ईयर के लिए रहेगा। और यहाँ पर आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो कोलकाता में रहेगा, ईस्ट जोन कोलकाता। ठीक है, कोलकाता के अंदर आपका पोस्टिंग किया जाएगा। देन यहाँ पर देख सकते हो जो आपका ट्रेड रहेगा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये आपका जो ट्रेड रहेगा। और वैकेंसी की बात करें, यहाँ पर 25 वैकेंसी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि आपको मैट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 50% मार्क और आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और ड्यूरेशन की बात करें, यहाँ पर 12 मंथ का ड्यूरेशन रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो apprenticeindia.gov.in आप वहाँ पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपका जो एज क्राइटेरिया है वो मिनिमम 15 ईयर और मैक्सिमम 25 ईयर रखा गया है और ये 1 जून 2023 के तक आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर और एक्स सर्विसमैन के लिए 10 ईयर जो कि डिफरेंटली एबल्ड जो कि डिजेबिलिटी है उनको 10 ईयर तक रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और यहाँ पर प्लेस ऑफ वर्क विल बी इन कोलकाता ओनली, एनीवेयर इन कोलकाता आपको पोस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, इम्पोर्टेंट डेट्स, यहाँ पर जो एप्लीकेशन शुरू होगा आपका वो 14 जून से शुरू हो चुका है और जो लास्ट डेट रहेगा वो 29 जून रहेगा। ठीक है, इससे पहले आपको अप्लाई कर लेना है। देन नेक्स्ट हम बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पर आपका कोई भी मतलब रिटन टेस्ट नहीं होगा, यहाँ पर आपको मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, आपका जो एकेडमिक मार्क होगा उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। और नेक्स्ट है स्टाइपेंड, यहाँ पर स्टाइपेंड की बात करें, जो कि स्कूल पास आउट 10th है उनको 6000 मिलेगा, जो कि 12th पास आउट है उनको 7000, नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर उनको भी 7000। और यहाँ पर बात करें जो ITI टेक्नीशियन अपेंडिक्स और वोकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर और सैंडविच कोर्स स्टूडेंट फ्रॉम डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन उनको 7000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, और ये उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है अप्लाई करने के लिए, ठीक है, www.apprenticeindia.gov.in आप वहाँ पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए साफ साफ लिख दिया गया है 10 सर्टिफिकेट, ITI मार्कशीट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाई NCVT और SCTVT, तो सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपका जो एज कैलकुलेट करने के लिए, देन 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट अगर इफ है नहीं, अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, और ये डिजेबिलिटी अगर अप्लाई करते हो PWD कैटेगरी से तो उसका सर्टिफिकेट, तो ये सब सर्टिफिकेट आपका कलर फोटोग्राफ ये सब डॉक्यूमेंट मांगा गया है। ठीक है, तो दोस्तों अच्छी पोस्ट है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले नई जॉब वैकेंसी के अपडेट के साथ। धन्यवाद।